समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार है, जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी कि सरकार में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि पुलिस वसूली कर रही है, पुलिस से कोई न्याय नहीं मांग सकता। और जब तक मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा। और गोरखपुर में जो कल की घटना है, जहां एक बेटी के साथ क्या हुआ, उसके बाद उस परिवार की महिलाओं को, सदस्यों को उसकी डेड बॉडी को छीनना पड़ा, ये खबर है। अगर गोरखपुर से ऐसी खबरें आएँ, उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से से ऐसी खबरें आएँ जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो गया है, क्या उम्मीद करोगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आप बताइए, बलवंत सिंह की पुलिस ने मार मार के हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी ने ये तो मांग की है कि उसको 1 करोड़ की मदद हो, उसकी जो पत्नी है उसको सरकारी नौकरी दें। यही बीजेपी वाले, याद कीजिए क्या कहते थे, कि समाजवादी सरकार है, विशेष जाति को, विशेष धर्म के लोगों को ज़्यादा मदद करते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आपकी सरकार है, अगर हम ज़्यादा मदद करते थे तो आपकी सरकार मदद क्यों नहीं कर रही है? आपको कौन सा कानून, कौन सा नियम, कौन से अधिकार रोक रहा है कि आप उस परिवार की मदद नहीं करें? जो बलवंत सिंह की जान गई है, मैं मांग करता हूं कि 1 करोड़ की मदद होनी चाहिए उस परिवार की, और उस परिवार की जो विधवा हुई है, उसकी पत्नी है, उसको सरकारी नौकरी सरकार दे। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत सिंपल तरीका है। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। देखिए मौर्य जी जानते हैं कि वो पिछड़े हैं, पिछड़ों को हक और अधिकार नहीं दिला सकते। आप बताइए, वाइस चांसलर हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट किसके किए हैं? झांसी में अपॉइंटमेंट किसका हो गया? या एक वाइस चांसलर के खिलाफ इतनी जांच, इतनी एसटीएफ जो कर रही है, आखिर कौन बचा रहा है? उसके बारे में नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का खास है। अगर बोल दिया तो मुख्यमंत्री जी ने अभी तो विभाग छीना है, अगली बार उनकी कुर्सी छीन लेंगे, तो इसलिए वो नौकरी पे काम करें। नहीं, मेरे पत्रकार साथी वो नौकरी कर रहे हैं, वो डिप्टी सीएम नहीं है, असिस्टेंट मिनिस्टर हैं। तो असिस्टेंट मिनिस्टर वही करेगा जो उनके मुखिया कहेंगे। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं, अपनी मर्जी से वो कहते हैं पिछड़ों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, पिछड़ों की कोई यहाँ पूछ नहीं है, पिछड़े मारे जा रहे हैं, अकेले में तो ये बोलते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है तो उनकी भाषा बदल जाएगी।